वैलैक्म लजीज़ दस्तखान मेरे चैनल पे सभी प्यारे वीवर सब्सक्राइबर्स आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहदी से खुश आमदी तो आज मैं आपके साथ अपनी बहुत ही ज़बरदस्त यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरह से मैंने कौरमा बिरयानी की रेसिपी शेयर किया था वो मेरी खुद की रेसिपी थी बिल्कुल उसी तरह से ये मेरी खुद की रेसिपी है यखनी पुलाव की तो यखनी पुलाव तो आपने बहुत बार बनाया होगा एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी इसे बनाना बहुत ही आसान है यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और जब भी बनाएगा मुझे ज़रूर बताइएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर साढ़े छः गिलास पानी लेना है चावल के हिसाब से और इस पानी के अंदर तीन तेजपत्ता ऐड करना है दो टेबल स्पून भरकर धनिया लेना है साबुत धनिया है एक टी स्पून साबुत ज़ीरा और हाफ टी स्पून गोल मिर्च दो बड़ी इलायची एक जावित्री का फूल दो दालचीनी का टुकड़ा और एक स्टार अनिश यानी कि चक्री फूल इन सारे चीज़ों को पानी में डाल देना है और दो मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज लेना है तो प्याज़ यहाँ पर मैं काट के डाल रही हूँ और पंद्रह से सोलह जवा लहसन का और नमक भी यहाँ पर डाल देना है नमक मैं बाद में भी डालूंगी इसलिए ज़्यादा नमक इस वक्त मैं नहीं ऐड कर रही हूँ दो टेबल स्पून भर के सौंफ लेना इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है पुलाव में अगर आपको पसंद है तो ज़रूर ऐड करें और 600 ग्राम यहाँ पर मैं चिकन ली हूँ और चिकन को मैं पहले से अच्छे से वॉश करके रखी थी चिकन भी ऐड कर देना है और पानी यहाँ पर लेना है चावल के हिसाब से तो इस गिलास से मैं तीन गिलास चावल ली हूँ और इसी गिलास से साढ़े छः गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और इसे ढक दूंगी जब तक इसके अंदर अच्छे से बॉयल आना शुरू नहीं हो जाए जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो फ्लेम को मीडियम कर देना है तो पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है अब मैं फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर बारह से तेरह मिनट चिकन को पकने दूँगी इतना देर पकने से क्या होता है सारे मसाले का फ्लेवर पानी में आ जाता है और चिकन भी वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो 12 मिनट बाद चिकन को निकाल लेना है तो 13 मिनट हो चुका है चिकन को मैं अलग कर दी हूँ यखनी से और जो यखनी है इसे भी मैं छान चुकी हूँ यहाँ पर देख रहे होंगे सारे मसाले का फ्लेवर पानी में आ चुका है यखनी में और इन सारे मसालों को हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर से जो लहसन था उसे मैं निकाल चुकी हूँ लहसन निकाल कर और इसके अंदर का जो पल्प है उसे मैं निकाल लेती हूँ इसे भी एक नहीं में डाल दूंगी अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं नहीं तो स्किप कर सकते हैं टेस्ट बहुत अच्छी आती है तो सारे पल्प को यहाँ निकाल कर मैं साइड में रख देती हूँ और हाँ इस बिरयानी के अंदर दही कम ऐड करना है लेमन जूस यहाँ पर मैं ज़्यादा ले रही हूँ एक लेमन जूस डालना है और दो मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर लेना है स्लाइस में इस तरह से और यहाँ पे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च ऐड कर सकते हैं तो ये बहुत ही कम तीखा वाला मिर्च है तीन ले रही हूँ काफ़ी लंबा होता है ये तो तीन लेना है ज़्यादा नहीं लेना है इसमें तीखापन बहुत ही कम होता है चार मीडियम साइज काट के लिए आलू लेना, आलू लेना से है आलू को कटिंग कर कट कर, 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 कर लेना है कटा फ्राई करते वक्त आलू अच्छे से गल जाता है इसलिए छोटा छोटा कट करना है इस तरह से और मीडियम फ्लेम पर आलू को फ्राई करना है तो आलू को छील कर धोकर मैं येलो फूड कलर लगा ली थी और मीडियम फ्लेम पर आलू को फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और आलू भी सॉफ्ट हो जाए फ्राई करते वक्त तो आलू फ्राई हो चुका है मैं साइड में रख देती हूँ और यहाँ पे मैं 200 ग्राम तेल ले रही हूँ और इसके अंदर मैं दो बड़े साइज़ का प्याज ऐड करूँगी प्याज को फ्राई करके निकाल लेना है सिर्फ बिरिस्ता फ़्राई करना है तो यहाँ पर अच्छे से प्याज़ फ्राई हो चुका है मैं निकाल लेती हूँ और इसी तेल के अंदर दो तेज़पत्ता ऐड करना है और दो दालचीनी का टुकड़ा भी डालना है और ये जो यखनी प्लाक रेसिपी मेरी खुद की रेसिपी है घर में सब बहुत पसंद करते हैं इसे मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करके बनाती हूँ तो वो मैं दिखला दूँगी आगे चलकर कर ग्यारह लौंग ऐड करना है और चार हरी इलायची इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है और फ्लेम को एकदम लो रखना है ताकि जो मसाले हैं वो जले ना और थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है इससे तेल में फ्लेवर आ जाता है मसाले का जब कलर चेंज हो जाए तो एक टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट एक टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालना है और फ्लेम को मीडियम कर देना मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन को दो मिनट भूनने के बाद अब एक टी जीरा गोल मिर्च का पाउडर डालना है दोनों मिला हुआ है एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 60 ग्राम दही जैसे मैं बताई थी कि इस पुलाव में ज़्यादा दही नहीं डालना है कम डालना है तो 60 ग्राम से ज़्यादा ना डालें क्योंकि एक लेमन जूस यूज़ किया जाएगा इस पुलाव में और एक टी बिरयानी मसाला तो यहाँ पे मैं अपना होम स्टाइल बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी चेक कर सक अब इन सारे चीज़ों को मसाले के साथ चिकन को अच्छे से मिला देना है और नमक भी डाल देना जैसे मैं पहले बताई थी कि नमक बाद में भी यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है नमक डालकर इसे ढक देना है मीडियम फ्लेम पर छः से सात मिनट पका लेना है ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि चिकन पहले से भी पका हुआ है तो चिकन यहाँ पर देख लीजिए पकते हुए सात मिनट हो चुका है इससे ज़्यादा इस चिकन को नहीं पकाना है अब इसके अंदर यखनी डाल देना है तो यहाँ पर तैयार किया हुआ जो यखनी था जिसे मैं छान के रखी थी तो सारी यखनी को यहाँ पर ऐड कर देना है तो जैसे मैंने पहले बताया है कि इस पलाव में थोड़ा सा सॉफ्ट बनाऊंगी अगर आप एकदम सॉफ़्ट uh, नहीं बनाना चाहते हैं तो जो पानी का क्वांटिटी है हाफ गिलास कम कर दीजिएगा सिर्फ छः गिलास ही रखिएगा और ये जो पल्प है इस पल्प को भी यहाँ डाल देना है लहसन का जो पल्प निकाला गया था अब इसे ढक कर रख देना है जब तक पानी में बॉयल आना शुरू ना हो जाए यहाँ पर मैं छः सौ ग्राम वेलनेस की बिरयानी राइस ली हूँ और इसे आधा घंटा पहले से भिंगा के रखी थी तो देख लीजिए पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है यखनी में अब यहाँ पर मैं चावल ऐड कर दे रही हूँ चावल डालने के बाद इसके साथ ही यहाँ पर हमें आलू भी डाल देना है जिस आलू को मैं बॉईल करके रखी थी तो आलू भी ऐड कर देना है और आलू को हमेशा इस तरह से कट करके रखें और फ्राई करने से आलू सॉफ्ट हो जाता है इसलिए आलू के पीसेज जो है बड़ा नहीं रखना है लेमन जूस भी यहाँ पर मैं एक डाल दी हूँ और दो मीडियम साइज का स्लाइस में कटा हुआ टमाटर डालना है हरी मिर्च डालना है तो जैसे मैं पहले बताई कि मिर्च का जो टेस्ट है बहुत ही लाइट है अगर आपको ज़्यादा तीखी वाली मिर्च चाहिए तो हरी मिर्च जो छोटी वाली आती है आप वो ले सकते हैं वो काफ़ी तीखी होती है अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है और फ्लेम को हाई रखना है जब इसका पानी आधा हो जाए तो फ्लेम को मीडियम कर देना है तो देख लीजिए पानी यहाँ पर आधा होना शुरू हो चुका है अब मैं फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ जब तक पानी पूरा सूख ना जाए थोड़ा सा पानी इसके अंदर होना चाहिए तो पानी देख लीजिए पूरा सूख चुका है बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी है बिल्कुल हल्का सा अब फ्लेम को मैं लो कर दे रही हूँ लो फ्लेम पर यहाँ पे मैं थोड़ा कलर ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर है और जो बिरिस्ता फ्राई की थी इन सारे बिरिस्तों को भी यहाँ पर अच्छे से ऐड कर देना इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है पुलाव में और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसके अंदर किसी भी तरह का एसेंस नहीं डालना है क्योंकि सारे मसाले का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है इस पुलाव में अब इसे कवर कर देना है और तवे के ऊपर दस से बारह मिनट लो फ्लेम पर दम के लिए रखना है तो तवा काफ़ी गर्म है अब मैं यहाँ पर फ्लेम को एकदम लो कर दी हूँ दस से बारह मिनट बाद मैं दिखलाती हूँ पुलाव तो बहुत ही खुशबूदार बहुत ही ज़बरदस्त यखनी पुलाव बन के तैयार हो चुका है और ये पुलाव मेरा होम स्टाइल है मैं ज़्यादातर घर में इसी पुलाव को बनाती हूँ तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर किया जाए तो मेरे एक वीवर्स हैं बहुत ही पुराने जिनका नाम है आनंद शर्मा उनका भी कहना था कि मैं ये रेसिपी सभी के साथ शेयर करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है जैसे मैंने कहा कि मैं इसे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाई हूँ तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही लाजवाब बनता है और खाने में बहुत ही जायकेदार तो इसे मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ और इस ज़बरदस्त रेसिपी को बना सकते हैं आप इसे मटन में भी ट्राई कर सकते हैं बहुत ही लाजवाब बनता है तो बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी इसके अंदर बहुत सारे मसाले नहीं जाते हैं बट फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इसके अंदर आप गरम मसाला बिल्कुल मत डालिएगा बिरयानी मसाला ऐड कीजिएगा जिस तरह से मैंने बताया बिरयानी मसाला का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है इस पुलाव में तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हाँ बेलाइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेलाइकन से मिलेगी तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए खाइए खिलाइए खुश रहिए अल्लाह हाफिज़